विषय है, धर्म के साथ दूसरा है अर्थ। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तम, मुझे आरोग्य देना आपको, लेकिन धर्म के साथ अर्थ की। आज कल्पना मुखर्जी साहब का भी बयान आता है कि अब पूरी दुनिया में करेंसी वार चलेगा। देखो एक तरफ हमारा एक रुपए और एक रुपए, और उधर देखो एक डॉलर, कीमत देखो दोनों की 49 रुपए देते हैं तो एक डॉलर अपने को मिलता है। ये डॉलर वार चल रहा है और शैतानी करके, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके, पूरी दुनिया को अंधेरे में रख करके, पूरी दुनिया में दादागिरी करके अपने डॉलर के दाम बढ़ाए हुए हैं। अपनी 50 रुपए की चीज 1 रुपए में लेके चला जाता है और अपनी 1 रुपए की चीज अपने को 50 रुपए में देता है और धनवान बनने का ढोंग कर रहा है। हम लोगों के मन में ऐसा है कि अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान देश है। हमने आज आपको ये काले धन का सच और आर्थिक आजादी का पत्रक दिया है। यहां से दुनिया का सबसे दरिद्र देश अमेरिका है, दुनिया का सबसे दरिद्र देश। उसके ऊपर 1,000,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अरे भारत को थोड़ा सा संभाल लो, भारत में से भ्रष्टाचार और काला धन खत्म कर दो, अपनी आर्थिक नीतियों को ठीक कर लो, तो भारत जैसा शक्तिशाली मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यहां गरीबी रहेगी नहीं, खाली बुंदेलखंड के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं गरीबी नहीं रहेगी, कहीं अशिक्षा नहीं रहेगी, कहीं बेरोजगारी नहीं रहेगी। हम पूरी दुनिया के लोगों को रोजगार दे सकेंगे, पूरी दुनिया में से हम अशिक्षा को, अंधेरे को मिटा सकेंगे। इतनी पावर है भारत के पास। तो खैर, हम इस इकोनॉमिक वार के बारे में, इस करेंसी वार के बारे में भी आपको बताएंगे। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट चल रहा है, पूरी दुनिया में संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है, पूरी दुनिया में भौगोलिक संघर्ष चल रहा है। इस भौगोलिक संघर्ष, इस भौतिक संघर्ष में, इस आर्थिक संकट में और इस सांस्कृतिक संकट में हमने अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपराओं को बचा के रखना, खुद को बचा के रखना है, अपने तन को बचा के रखना, अपने वतन को बचा के रखना है। वो